हेलो दोस्तों, राजवीर कुमार ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आप देख सकते हैं काफ़ी बारिश हो रही है यार, काफ़ी परेशानी हो रही है बारिश से हमें। और हम कहीं जाने के लिए सोच रहे थे, जा भी नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के लिए ब्लॉग भी कंटिन्यू शूट नहीं कर रहे हैं। इस अगर आप लोग मेरे डेली बेसिस पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताएँ। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहें मेरे ब्लॉग में। आज मोटिव यही है बनाने के वीडियो की, अगर आप हम मेरा डेली लाइफ से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा डेली बेसिस के ऊपर। वैसे कोई मोटिव नहीं था बनाने का, मोटिव सिर्फ यही था कि अगर आप डेली मेरे लाइफ के बारे में देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता लग सके कि आप लोग मेरे डेली बेसिस पे वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं देख चाहते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का हाल है गांव का हमारे यहाँ, और काफ़ी बारिश हो रही है लगातार 4 दिनों से। कुछ इस तरह का है, अभी हरियाली छाया हुआ और ऊपर में आप बादल भी देख सकते हैं कुछ इस तरह। और पीछे जो आपको दिख रहा है वहाँ पे ये बारिश का पानी जमा हुआ हुआ, एक्चुअली पहले भी बारिश का पानी से काफ़ी ऊपर तक आ चुका था तो अभी काफ़ी नीचे है पानी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है। और बादल भी छाए हुए, अभी कुछ ही मिनटों पहले बारिश रुका है। तो मैं आया था घूमने तो सोचा एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए बना लूँ, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। और मेरे पीछे दिख रहा होगा शायद, हाँ वो दिख रहा है आपको, वो देखिए वो है NTPC पावर प्लांट जो कि कहलगांव भागलपुर बिहार में पड़ता है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए बादल कुछ इस तरह से है, और क्या बोलें हम, यही कुछ जो भी है। अगर आप डेली बेसिस पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ इस तरह से देखिए अब पीछे बादल कितना लगा हुआ है, काले काले बादल। और बारिश होने की संभावना अगले 5-6 दिनों तक है जैसा कि मुझे मालूम हुआ है। और मैं रहते हुए काफ़ी बोर हो चुका हूँ, यहाँ से कहीं दूर जाने का मन करता है, तो फ़िलहाल मैं किसी और जगह मूव हो रहा हूँ। और मैं अगर टिकट मुझे मिला, अगर जल्दी मिल गया तो मैं यहाँ से कहीं दूर और बहुत अच्छी जगह पे जाने वाला हूँ, वहीं पर पहले से। और आपको क्या हम बोलें, और काले बादल आप पीछे देख रहे हैं, आ रही है बारिश, तो क्या बताएँ हम आपको, मुझे जाना पड़ेगा नीचे। फ़िलहाल एक छोटा सा ब्लॉग के ज़रिए यही बताना था मुझे, और सॉरी मैं आप लोगों के लिए मतलब कंटिन्यू वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन 8 या 9 को मतलब ख़त्म हुआ है, उसके बाद से कंटिन्यू बारिश हो रहा है, जो कहीं भी मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो कोशिश करता हूँ, कोशिश करूँगा कि कहीं न्यू जगह पर जाके आप लोगों को परिचित कराऊँ, और अगर हो सके तो जल्दी से यहाँ से मूव करूं और न्यू जगह पे जाके आप लोगों के साथ कंटिन्यू ब्लॉग दे सकूं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे नए चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहें मेरे चैनल पर। अगर आप डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर जाके विजिट करें और वहाँ पर देखें और इस तरह के वीडियो, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको डेली बेसिस पे देखना पसंद है या नहीं। अगर मेरे डेली बेसिस पे वीडियो देखना पसंद है तो सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव ज़रूर दें। इसी तरह के ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें और बने रहें। तब तक बाय बाय। अभी तक मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ जाके हमें फॉलो कर लें, और वहीं मेरा वही सेम टू सेम आईडी राजवीर कुमार है, और वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर लें। और आज सुबह जब मैं जगा था 5 बजे तो आज मैंने संदीप महेश्वरी सर का एक मोटिवेशनल वीडियो देखा था कि साइनस कैसे ख़त्म करें। एक्चुअली मुझे टंग प्रॉब्लम है, जो बोलने में मुझे हेजिटेशन होता है या और कुछ भी, मुझे कुछ टंग प्रॉब्लम है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना टंग प्रॉब्लम जल्दी दूर करूँ, क्योंकि कुछ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसे दूर करने के लिए और साइनस भी ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा साइनस भी है जो कि पब्लिकली मैं तो बोल तो ऐसे अदरवाइज़ विथाउट फेस कैम बोलना हो तो मैं बहुत काफ़ी बोल लेता हूँ, बट कैमरा के सामने मुझे बहुत हेजिटेशन होता है, और इसे भी मैं जल्दी इम्प्रूव करूँगा। अदरवाइज़
ऑफ कैमरा ऑफ मतलब जब होता है तो उस समय में बहुत मतलब कोशिश करता हूँ कि हेजिटेशन मेरे अंदर से ख़त्म हो जाए। और संदीप महेश्वरी सर का मैंने जो वीडियो देखा उससे मुझे यही सीख मिली कि कोई भी काम आप अगर कर रहे हैं तो उसे लगातार करते रहिए और दिल से कीजिए, वो काम एक ना एक दिन सफल ज़रूर होगा। और रही साइनेस की बात तो वो आज ना कल या किसी और वीडियो में हो सकता है महीने दो महीने तक के अंदर ही मेरे अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो आप बाकी इम्प्रूव देख लीजिएगा किसी अलग ब्लॉग में। तो संदीप महेश्वरी सर से यही बात सीखी कि जो भी मतलब आप काम करते हैं दिल से कीजिए और हिम्मत से कीजिए। लोग क्या बोलता है नहीं बोलता है, क्या मेरे बारे में सोचता है या आपके बारे में क्या सोचता है या और क्या कहता है, तो इस बातें को छोड़ दें। हमें जो करना है उन पर फोकस करें और लाइफ में बड़े अचीव हासिल करें। तो यही सब था। बाकी मैं अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं फेस कैम वीडियो ही बनाऊँगा। और रही आपके पास जो भी है मतलब फ़ोन से ब्लॉग करते हैं तो फ़ोन से ही, अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरा से कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मतलब किससे वीडियो बनाते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल फ़ोन से ही बना रहा हूँ और कोशिश जल्द ही करूँगा कि अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करूँ। और आप लोग कमेंट में भी हमें ज़रूर बताएं कि हमें क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और वीडियो में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या ऑडियो क्वालिटी में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, जब तक हमें मोटिवेट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो गाइस, यही सब बात था। और संदीप महेश्वरी सर से मैं बहुत मोटिवेट आज हुआ। वो एक्चुअली मैं देखता तो पहले से भी वीडियो था पर इतना कभी अमल नहीं किया था जितना कि आज मेरे ऊपर अमल करने का जज्बा जगा है। तो इसलिए आप जो भी वर्क करते हैं आप उस पर ध्यान दें और उस काम को करते रहिए और एक ना एक दिन वो ज़रूर सफल हो जाएगा। सो प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और मेरे चैनल पे बने रहें और अपने आप को मैं इम्प्रूव करके दिखाऊंगा। सो इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद।